दोस्तों पहले आप जाकर पार्ट वन जरूर देख लीजिए। दोस्तों आपने पिछली वीडियो में देखा था कि रॉड बोलता है, ये एक नया केमिकल है जिससे कि किसी भी नॉन लिविंग थिंग में जान आ जाती है और मैंने इसे अपने लैब में बनाया है, लेकिन अभी तक मैंने इसका टेस्टिंग नहीं किया है। मैं इसे टेस्टिंग करने के लिए ही तुम लोगों के पास आया हूँ। वो जो तुम लोगों ने स्नोमैन बनाया है मैं उस पर ही टेस्ट करूंगा। और तभी बुल्ली बोलता है, अच्छा रॉड तो ये बात है, ठीक है तुम टेस्टिंग कर लो, लेकिन जरा सावधानी के साथ करना, क्योंकि अगर कुछ उल्टा सीधा हो गया तो हमारी मेहनत खराब हो जाएगी। जाओ जाकर लगा दो इंजेक्शन उस स्नोमैन को। और इसके बाद रॉड उस स्नोमैन के पास काफी तेजी से जाने लगता है और उस स्नोमैन के पास आकर खड़ा हो जाता है और फिर उसे घूरने लगता है। और इसके बाद रॉड उस स्नोमैन के अंदर अपना इंजेक्शन घुसा देता है और फिर रॉड स्नोमैन से दूर हटकर पीछे खड़ा हो जाता है। इंजेक्शन लगते ही उस स्नोमैन के अंदर मूवमेंट होने लगती है और फिर तभी स्नोमैन जिंदा हो जाता है और इसकी आंखें एकदम लाल हो चुकी हैं, जिसे देखकर गुल्ली बुल्ली और सॉन डर चुके हैं। और तभी स्नोमैन इन लोगों को गुस्से दे देखता है और अपनी सारी लाइटों को बुझा देता है, जिससे चारों तरफ थोड़ी देर बाद अंधेरा हो जाता है। और तभी गुल्ली बोलता है, ये बहुत खतरनाक लग रहा है, जल्दी से सब लोग अपनी जान बचाकर भागो यहाँ से, अगर इसने हमें पकड़ लिया तो ये हमें मार देगा, जल्दी से जान बचाकर भागो यहाँ से। लेकिन रॉड को लगता है कि ये एक्सपेरिमेंट फेल हो चुका है और स्नोमैन दोबारा से मर चुका है, इसलिए वो वहाँ से नहीं भागता और एक लगातार खड़ा होकर उसे देखता रहता है। लेकिन तभी स्नोमैन रॉड को हवा में उठा लेता है और उसकी गर्दन को दबाने लगता है, उसे गर्दन से पकड़ लेता है और रॉड उसे अपनी जान की भीख मांग रहा होता है। रॉड कहता है कि तुम मुझे छोड़ दो, मैंने ही तुम्हें ज़िंदा किया है और तुम ये बात मत भूलो कि अगर मैं तुम्हें ज़िंदा कर सकता हूँ तो तुम्हें मार भी सकता हूँ, इसलिए मुझे छोड़ दो, अगर तुमने नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हें मार दूंगा और अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, मेरा यकीन करो, मुझे जाने दो। लेकिन स्नोमैन पर इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और इसके बाद वो रॉड को जोर से पटक देता है, जिससे रॉड वहीं पर बेहोश हो जाता है। और ये सारा मंजर दूर से गुल्ली बुल्ली और सॉन छुपकर देख रहे होते हैं। गुल्ली और सॉन को ये समझ में नहीं आ रहा कि अब उनका क्या होगा। तभी सॉन बोलता है कि गुल्ली मुझे लगता है कि रॉड मर चुका है, तुम जल्दी से बाबा को फ़ोन मिलाओ क्योंकि अब बाबा ही हमें बचा सकते हैं, जल्दी से मिलाओ उनके पास फ़ोन वरना ये हमें मार देगा। सॉन, मेरे पास मोबाइल नहीं है, पूछो तुम गुल्ली से, वो मेरा मोबाइल तो घर के अंदर है और अगर मैं घर के अंदर गया तो ये मुझे देख लेगा और स्नोमैन मुझे देखते ही मार डालेगा और मैं मरना नहीं चाहता। क्या तुम्हारे पास मोबाइल नहीं है? बुल्ली जल्दी से तुम बाबा के पास फ़ोन मिलाओ, तुम्हारे पास तो फ़ोन होगा ही। बुल्ली बोला, नहीं मेरा मोबाइल भी घर में ही है, मेरा फ़ोन मैंने चार्ज में लगाया था क्योंकि मेरे फ़ोन का चार्ज लो हो गया था। मैं तो कहता हूँ कि चलो अब जीप से ही बाहर चले जाते हैं क्योंकि अब हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं है और बाबा पता नहीं कब आएंगे, तो जल्दी से जीप निकालो गुल्ली और सॉन, इससे पहले कि वो हमें देख ले, हमें यहाँ से निकलना होगा, जल्दी करो। बुल्ली की बातें सुनकर गुल्ली बोलता है, बुल्ली मेरे पास चाबी नहीं है और सॉन के भी पास चाबी नहीं है, जीप की चाबी तो घर ही में है, अब हमारे पास एक ही रास्ता है, हम में से किसी को चाबी घर के अंदर से लानी होगी वरना ये हमें मार ही देगा। और तभी जिसका डर था वही हुआ, स्नोमैन ने गुल्ली और सॉन को इसे देखता हुआ देख लिया और वो इन लोगों को घूरने लगा और इनकी तरफ मुड़ गया और धीरे धीरे इन लोगों के पास आने लगा। स्नोमैन इन लोगों के पास जा ही रहा होता है कि तभी उसे किसी ट्रक की आवाज़ आती है, लेकिन आधी रात को ये ट्रक किसकी हो सकती है? स्नोमैन तुरंत ट्रक की आवाज़ की तरफ देखने लगता है और उसे एक ट्रक आती हुई दिखाई देती है, लेकिन आखिर इतनी रात को ट्रक में कौन आ सकता है? तो दोस्तों आखिर ट्रक के अंदर कौन होगा और अब गुल्ली और सॉन इससे कैसे बचेंगे, ये सब हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।